असलम एवरीवान वेलकम बैक टू माई चैनल लर्निंग विद सोनिया मराज आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ड सीरीज़ में सिक्सटी वन वर्ड से इसका मतलब है एरन एरन का मतलब होता है टू कॉल ब्रिंग समन बिफोर अ कोर्ट हमने इस तरह का वर्ड एक और पढ़ा था इसका सैनम वो क्या था डू यू रिमेंबर एंड ठीक है सेम वर्ड है ये दोनों उससे नेक्स्ट वर्ड है स्कॉफेट स्कॉफेट का मतलब होता है मजाक उड़ाना ठीक है तो कोई भी आपका मजाक उड़ाता है सम रीज़न्स ड्यू टू सम रीज़ंस तो आप कहते हो और ही इज स्कॉफिंग एट मी ठीक है रेडिक्यूल का भी सेम मतलब है नेक्स्ट वर्ड है फॉर पहले से किसी को खबरदार करना या किसी को वार्न करना पहले से ही ठीक है कि वो महतात हो जाए ठीक है कॉशियस का भी मतलब महतात है सर्वाइव का मतलब होता है मुश्किल से गुजर बसर करना ठीक है और राइड आउट ऑफ यानी मुश्किल वक्त का सामना करना लूट का मतलब होता है लूटना प्लेंडर का मतलब भी होता है लूटना और एक और वर्ड है उसका भी सेम मतलब है उसका है मैंने कहा मैं, मैं दिखाई दूं एम्बिजल इसका भी सेम ही मतलब होता है ठीक है लूटना या चोरी करना ठीक है जैसे द अकाउंटेंट वॉज कॉट ट्राइंग टू एम्बिजल फंड फ्राम द कंपनी अबाउंड इन ये होता है फरावानी यानी uh, किसी चीज़ का इंक्रीज करना अबेंडेंस का भी यही मतलब है ओवर टर्न का मतलब होता है कैंसिल कर देना ठीक है और नलीफाई का भी यही मतलब है नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश एबॉलिश का मतलब होता है ख़त्म करना जैसे कि जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया कि वो एबॉलिश करेगी आउटडेटेड डेटेड लॉस को ठीक है जो टू मार्क लॉज नहीं है उसको ठीक है पुराने लॉज लौ, है जो रिपेल का मतलब होता है ख़त्म करना रिवॉक का मतलब होता है ख़त्म करना ठीक है अथॉरिटीज ने डिसाइड किया कि वो रिवॉक करेंगी इसका ड्र, 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 ड्राइविंग लाइसेंस क्यों क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा कानून के अगेंस्ट काम किए थे उसकी वजह से दोबारा अगेन अगेन किए थे ऑफेंस का मतलब है खिलाफ वर्जी वो बता दिया लॉ के अगेंस्ट करना और ऑस्ट का मतलब होता है रिमूव असल में निकाल देना किसी को ठीक है बोर्ड ने डिसाइड किया कि उसको सी की पोस्ट से निकाल दिया जाए क्यों क्योंकि उसकी जो परफॉर्मेंस थी इट वॉज़ नॉट वेल इनफ अगला वर्ड है डिपोज और यही मतलब है टॉपल ये दोनों का मतलब होता है इकतदार से हटाना ठीक है ये भी निकालना जैसे हमने एक वर्ड पढ़ा था ना ऑस्ट डिपोज टॉपल इन तीनों का एक ही मतलब होता है ठीक है किंग वॉज डपोज इन ट द कोप कोप का मतलब होता है बगावत ठीक है एंड रिप्लेस बाय न्यू लीडर जो प्रोटेस्टर से उन्होंने ऐम किया कि वो टॉपल करेंगे करप्ट गवर्नमेंट को यानी उसको इकदार से हटा देंगे ठीक है डिसट्रस्ट का मतलब होता है जिस पर आप अतमाद नहीं करते ठीक है यर्न यानी आई वॉज यर्निंग आई वॉज़ ख्वाहिशिंग इन शॉर्ट आप कोई चीज़ की ख्वाहिश करते हो ठीक है चाह करते हो तो दैट इज कॉल्ड यर्न ठीक है एक्सट्रीम लेवल पर जब करते हो यार अच्छा ये वर्ड है नॉशियस। इसका मतलब होता है आपको लग रहा होता है कि आपको वॉमिट आ जाएगी फॉर एग्जांपल यू आर पासिंग बाय रोड एंड वहाँ पे एक बहुत स्मेल uh, आ रही है तो ई सैड आई एम गोइंग इट सीम्स लाइक नॉशियस लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि बुरो आ जाएगी और वैसे ऐसा भी होता है जब आपको कुछ पसंद का नहीं बना होता तब तो भी ऐसा होता है खैर अब डिसकंसर्ट करना होता है परेशान करना ठीक है जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन से उन्होंने स्पीकर को परेशान कर दिया पर टर्प का भी यही मतलब है ठीक है एक्सल्टेंट नहाय खुश करना यानी जो टीम थी ना वो एक्सल्टेंट थी उन्होंने चैम्पियनशिप जीत दी थी ठीक है जैसे कि आजकल वो अरशद नदीम साहब बहुत खुश होंगे इवन कि सिर्फ वो नहीं मतलब पूरा पाकिस्तान उनके लिए खुश है ठीक है आप लोगों को पता ही होगा उन्होंने ओलम्पिक में रिकॉर्ड कायम किया और गोल्ड मेडल जीता है आगे ग्लम का मतलब होता है उदास और रंजीदा ठीक है कॉन्सीटेड का मतलब होता है खुद गर्स ख़ुदपसंद और बददमाग भी कहते हैं ठीक है उसका जो एटीट्यूड था ना उसको डिफ़िकल्टीज़ में मुबला करता था किस तरह के वो काम नहीं कर पाती थी प्रॉपर यानी आप कह सकते हो कि वो एक पसंद लड़की थी जिसकी वजह से उसको किसी के साथ काम करना बहुत मुश्किल था अच्छा ये जो कॉन्सिटेड वर्ड है इसका ही सैनिनम हॉटी है और इसका ये मतलब है बद दमा खुद गर्ज और ख़ुदपसंद मगरूर सब कुछ ये ठीक है कॉन्सट्रेट यानि एहसास करने वाला ख़्याल करने वाला ही इज़ अवे फ्राम वेरी कॉन्सनट्रेट ऑफ ए फ्रेंड्स फीलिंग वो अपने दोस्तों की जो फीलिंग्स है उसके बारे में बहुत सोचता उनका बहुत ख्याल रखता है दैट्स ऑल